हेलो एवरीबॉडी गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करूंगा सबके सब फिट एंड फाइन होंगे। तो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है हमारे टेक्निकल अभी यूट्यूब चैनल में। आज की ये जो वीडियो है, इसमें हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, इसमें मेनली हम इचिमोको क्लाउड की जो स्ट्रैटेजी है, कस्टमाइज्ड तरीके से आप इसे किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं चार्ट पे, और किस तरीके से इस स्ट्रैटेजी को यूज़ करके इससे पैसे कमा सकते हैं, ये चीज़ें हम इसमें डिस्कस करने वाले वीडियो में। दूसरी चीज़, लाइव अकाउंट में आप बैलेंस देख पा रहे हैं $5,500, तो आज हम इसको $6,000 पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो या तो आज ये $6,000 होगा या फिर ये आज $5,000 हो जाएगा डिक्रीज होके, दोनों में से कुछ एक ही काम होगा, तो जरूर हम इसी को कोशिश करेंगे। पहले पेज को रिफ्रेश कर लेते हैं। और अब ये जो इचिमोको क्लाउड है, इसको अप्लाई कैसे करते हैं, स्टार्टिंग यहां से करते हैं। हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, इचिमोको क्लाउड को स्टार्ट कैसे करेंगे, अप्लाई कैसे करोगे आप अपने ग्राफ पे। तो ये ओलिमट्रेड का इंटरफेस आप देख पा रहे हैं। सबसे पहले आपको इचिमोको क्लाउड अपने इस पे अप्लाई करने के लिए इंडिकेटर वाले सेक्शन में जाना है, और ये देखिए इचिमोको क्लाउड पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं यू कैन नॉट ऐड मोर देन वन ग्राफ, यानी इस एक से ज़्यादा हम इचिमोको क्लाउड इंडिकेटर नहीं यूज़ कर सकते। तो आप जब करोगे तो इस तरीके कुछ इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। उसके बाद इस सेक्शन पे आप जब क्लिक करोगे तो यहाँ पे ये जो सेन है, फर्स्ट वाला जो है, इसको हमें 9 कर देना है। इनकी यार ये जो लैंग्वेज है ये समझ नहीं आती मुझे काफ़ी बार, तो इसको 9 कर देना है। 9 करके येलो कलर इसको चूज़ कर लेना है। दूसरा किजू सेन है, इसको आपको 26 कर लेना है, और इसको ऑरेंज या रेड कलर में आप ये चूज़ कर सकते हैं। बाकी डिफ़ॉल्ट छोड़ देना है, बाकी कोई मतलब नहीं है हमें। इसको करना है, इतना सेक्शन करने के बाद आपका ये अप्लाई हो जाएगा इंडिकेटर। अब क्या तरीके हैं जिससे हम इसे यूज़ कर सकते हैं अच्छी तरीके से, ठीक है, मतलब इस स्ट्रेटजी को कैसे अप्लाई करेंगे। तो मैं फ़िलहाल 5 मिनट पे जाता हूँ, आप चाहे तो इसमें 2 मिनट पे भी जा सकते हैं। 2 मिनट पे भी अच्छा खासा वर्क करती है स्ट्रेटजी। आप चाहे 1 मिनट, तो मुझे लगता नहीं 1 मिनट आपके लिए वर्थ होगा, पर 2 मिनट तक ये अच्छी स्ट्रेटजी वर्क करती है, तो आप 2 मिनट तक इसे चूज़ कर सकते हैं। कन्फर्मेशन आपको कहाँ कहाँ से मिलेगी, तो कन्फर्मेशन आप ये देख पा रहे हैं, ब्लू कलर की लाइन ने अगर येलो कलर की लाइन को क्रॉस किया, इट मीन्स कि आप ऊपर देखेंगे रेड कलर की कैंडल बनना स्टार्ट हो गई, ठीक है। अब यहाँ से कन्फर्मेशन देखेंगे तो येलो कलर की लाइन है, ये नीचे जाएगी, तो इसका मतलब आपका जो है कन्फर्मेशन नीचे की तरफ है। यहाँ पे ये ब्लू कलर की लाइन देख पा रहे होंगे, ये भी हल्का सा नीचे की तरफ मूवमेंट लेना स्टार्ट हो गया है। यहाँ पे देखेंगे तो ये रेड कलर की लाइन है, ग्रीन कलर की लाइन, हल्का सा मूवमेंट इनमें भी नीचे की तरफ स्टार्ट हो गया है। इस कलर की लाइन में भी नीचे की तरफ मूवमेंट स्टार्ट हो गया है, तो इसका मतलब आपको मल्टीपल कन्फर्मेशंस पे जाना है, नॉट इवन अ सिंगल कन्फर्मेशन, आपको मल्टीपल कन्फर्मेशन इसमें चूज़ करना है। व्हेनेवर आप जो इस स्ट्रेटजी को यूज़ करोगे तो आपको एक कन्फर्मेशन पे नहीं जाना। और हमेशा से आपको एक ही चीज़ कहता आता हूँ कि जब भी आप ट्रेड लो ना, तो आप एक कन्फर्मेशन के साथ कभी मत जाओ, मार्केटिंग ट्रेंड्स को फॉलो करो। ये देखिए मार्केटिंग ट्रेंड्स आप देख पा रहे हैं, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में है, अपवर्ड डायरेक्शन में। अब यहाँ से ट्रेंड चेंज हुए हैं, लेकिन अभी भी फिलहाल हमारे पास कोई कन्फर्मेशन नहीं है कि अब वापस ऊपर नहीं जाएगा मार्केट, हमें वेट करना है। हाँ, हमेशा याद रखो यार, ट्रेडिंग दो तरीके से आप जीत सकते हो या कर सकते हो। पहली जो है की पॉइंट है, हमारे पास होना चाहिए इन्फॉर्मेशन अबाउट मार्केट ट्रेंड्स, अबाउट इकोनॉमिक कैलेंडर, अबाउट पर्टिकुलर डे वीक मंथली चार्ट का इन्फॉर्मेशन हमारे पास होना चाहिए। टुडेज अगर हमारी पर्टिकुलर करेंसी पे आज के दिन की कोई न्यूज़ है या नहीं, इसकी इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। ये चीज़ें इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए, फर्स्ट थिंग। दूसरी जो चीज़ आती है वो, पहली चीज़ इन्फॉर्मेशन हो गई, दूसरी चीज़ जो आती है वो आती है मार्केटिंग ट्रेंड्स, ठीक है। इन दोनों के बेसिस पे आप जो है एक ट्रेड लगाओगे और थोड़ा जीतोगे। और दूसरी चीज़, माफ़ी चाहूँगा, दूसरी जो चीज़ है वो ये भी है, एक चीज़ ये भी है, पेशेंस। आपके पास पेशेंस होने चाहिए, विदाउट पेशेंस आप यहाँ पर कुछ नहीं कर सकते। अगर अब आप चेक करेंगे तो यहाँ से हल्का सा मूवमेंट ऊपर की तरफ हुआ है, रेड कलर की कैंडल बन रही थी, अभी ग्रीन कलर की कैंडल भी बनी थी हल्की सी, फिलहाल भी हमारे पास कोई कन्फर्मेशन नहीं है। हम ज़रूर कोशिश करेंगे डाउनवर्ड डायरेक्शन में ट्रेड लें, लेकिन विदाउट कन्फर्मेशन मुझे नहीं लगता हमारे ये सही डिसीजन है ट्रेड लेने का। हमें 5,500 से आज की इस वीडियो का टारगेट है, आज की इस वीडियो का टारगेट है $6,000 तक पहुंचना, यानी हमें $500 का प्रॉफिट चाहिए। अब अकॉर्डिंग टू मनी मैनेजमेंट प्लान, $500 का प्रॉफिट हमें कैसे मिल सकता है? अगर या तो मैं डायरेक्टली जो ट्रेड लूँ वो $400-500 की लूँ तो मुझे इतना प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन उसमें रिस्क ज़्यादा है, अगर मैं लॉस हुआ तो भी मेरा काफ़ी लॉस हो जाएगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पे $300 की ट्रेड ली है, प्रॉफिट परसेंटेज मिल रहा है 90%, तो 300 के ऊपर मुझे 280 समथिंग का मुझे वो मिल जाएगा प्रॉफिट, 80 या 70 समथिंग का जो प्रॉफिट मिल जाएगा। उसके बाद एक और मैं 300 की ले लूँगा ट्रेड या फिर 250 की ले लूँगा, तो जो प्रॉफिट है वो 500 हो जाएगा अगर मैं दोनों ट्रेड जीत जाता हूँ।
तो यहाँ से मार्केट को आप चेक कर पा रहे हैं यार, कन्फर्मेशन इससे भी मुझे कन्फर्मेशन मिली है, मार्केट नीचे जा रहा है, यहाँ से तो बहुत अच्छी कन्फर्मेशन मिली है। तो अब मैं नीचे की तरफ ट्रेड लूँगा 5 मिनट्स के लिए। इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ा है, आई होप कि हम जीतें, बाकी होप इज़ गुड। तो यहाँ पे मैंने ट्रेड ले ली है, $300 की ट्रेड यहाँ पे जो है प्लेस हो गई है। टोटल अमाउंट मेरे पास था 5,500 डॉलर्स, जो अब रह गया है सिर्फ 5,200 डॉलर्स। आज की ये ट्रेड जीतते हैं तो प्रॉफिट जाएगा हमारा 90%, अगर हारते हैं तो हमारे पास जो बैलेंस हो जाएगा वो हो जाएगा 5,200, यानी $300 का लॉस हो जाएगा। कोई बात नहीं, लेकिन एक बात हमेशा याद रखो यार दोस्तों, कभी भी जब ट्रेड लेते हो ना, तो यार सिंपल अपने भाइयों की तरह समझा रहा हूँ यार, जो भी वीडियो देख रहा है ना, ऐसा समझ के यार भाई समझ के समझा रहा हूँ। तो अब जब भी ट्रेड लेते हो ना, तो यार हारने की टेंशन मत लिया करो, ये मत सोचा करो कि आप हार जाओगे। अगर आप ये टेंशन लेके ट्रेड लोगे ना, तो यार फिर अगर आप हारोगे ना, तो आपको मतलब अंदर से इतना बुरा लगेगा कि मेरा इतना पैसा चला गया। यहाँ पे हमेशा वो ही पैसा इन्वेस्ट करो जिसका आपको हारने का कोई डर ना हो, जिसको आपको लगे कि भाई अगर मैं ये पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट करता हूँ और अगर मैं हार गया तो यार चलो कोई नहीं, मेरा ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, मतलब हार गया तो कोई बात नहीं। लेकिन अब फिर अगर ऐसा पैसे पे अगर आप जीतते हो ना, तो जो खुशी होगी भाई आपको ना, वो खुशी कोई नहीं आपको दे सकता। तो इसीलिए हमेशा कहता हूँ, यहाँ पे जब ट्रेड लोगे ना, इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे या कोई भी प्लेटफॉर्म पे जो बाइनरी ऑप्शंस का प्लेटफॉर्म है, चाहे वो फॉरेक्स का प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे आप ट्रेड लोगे, तो एक चीज़ हमेशा अपने दिमाग में रखना यार, कि आप वो पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट करो जिसका आपको हारने का दुख ना हो। ये यार एक चीज़ हमेशा याद रखो, पैसा जो कमाते हैं ना यार, बहुत मेहनत से कमाते हैं, कोई भी हो, चाहे वो जॉब करता हो, गवर्नमेंट जॉब करता हो, चाहे वो प्राइवेट जॉब करता हो, पैसा बहुत मेहनत से कमाया जाता है, इतना आसान नहीं होता पैसा कमाना। लेकिन वो जब पैसा जाता है ना, तो ऑफकोर्स दुख होता है, किसको दुख नहीं होता। लेकिन अगर आपके पास कुछ ऐसा पैसा है जो आपने बचा रखा है, आपने सेव कर रखा है, और आपने ये सोचा है कि ये जो पैसा है सिर्फ मैं इन्वेस्ट करूँगा आपको कुछ सीखने के लिए, बाइनरी ऑप्शन से पैसा कमाने के लिए, बाइनरी ऑप्शन से सीखने के लिए, लेकिन अगर यहाँ से ये पैसा चला भी जाता है मेरा, क्यों, क्योंकि ये जो मार्केट है ना, पूरा का पूरा मार्केट में रिस्क इन्वॉल्व है, ये पूरा मार्केट ही रिस्क का है, आपको पता होना चाहिए ये चीज़। ये मार्केट पूरा इस तरीके से है कि अगर यहाँ से आप हारते हो ना, तो पूरा 100% आपने जितना पैसा लगाया उतना हारोगे। प्रॉफिट मिलेगा तो या तो 80%, 90%, 70%, इतना प्रॉफिट मिलता है, लेकिन हारने के चांसेस भी हैं यहाँ पे। एक तरीके से यहाँ पे हारोगे भी, इस तरीके से नहीं कि आप जीतोगे जीतोगे, डेफिनेटली आप हारोगे भी। तो आपको उस चीज़ के लिए प्रिपेयर रहना है, उस चीज़ के लिए रेडी रहना है। अब ये ट्रेड है जो है, अगर हम हार भी जाते हैं तो नो प्रॉब्लम, हम एक बड़ी ट्रेड लेके कवर कर लेंगे। बट एक चीज़ याद रखना है आपको, आपको क्या करना है, अपनी इन्वेस्टमेंट के हिसाब से पैसा लगाना है। मतलब जहाँ पे यहाँ पे मैंने $300 इन्वेस्ट किए, आपको $300 कभी नहीं इन्वेस्ट करने। आपकी अगर आपका जो टोटल इन्वेस्टमेंट कम है, आपकी अगर टोटल इनकम कम है, आप जो इन्वेस्ट कर रहे हो वो कम कर रहे हो, तो आपको कभी इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। ये चीज़ हमेशा याद रखो, आपको आपका जो टोटल इन्वेस्टमेंट है उसका 1% 2% इतना ही इन्वेस्ट करना है, ठीक है। ये चीज़ हमेशा याद रखोगे ना, यानी जब भी जाओगे ना, एक मनी मैनेजमेंट प्लान के साथ जाओ। कोई इतना दिमाग वाला बंदा नहीं होता जो हर एक ट्रेड जीत जाएगा। हम ट्रेड हारेंगे, ज़रूर हारेंगे, लेकिन हारने का ये मतलब नहीं है कि आप फिनिश हो। हारने का ये मतलब है कि हम उससे कुछ सीखे हैं, नेक्स्ट टाइम और बेटर करेंगे। मनी मैनेजमेंट प्लान के साथ जाएंगे तो हम हार भी गए तो नेक्स्ट ट्रेड पे उस चीज़ को कवर कर लेंगे, ठीक है। ये चीज़ आपके दिमाग में हमेशा होनी चाहिए। अब ये ट्रेड चलो हम हार भी गए, अभी 3:01:35 है, वैसे तो काफ़ी टाइम है, कुछ नहीं कहा जाता, कहा जा सकता मार्केट का। मार्केटिंग ट्रेंड्स मुझे पूरा फॉलोइंग ऊपर की तरफ थी, बट जो ट्रेंड मैंने लिए है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में ली थी। रीज़न उसका सिर्फ यही था कि मुझे काफ़ी सारे कन्फर्मेशन मिले थे, लेकिन कभी कभी मार्केटिंग ट्रेंड्स इस तरीके से चेंज हो जाते हैं जिसका कोई कुछ नहीं कर सकता। फिलहाल भी यही एग्जाम्पल हमें देखने को मिला, बट नो प्रॉब्लम, अभी 1:15 है। चलिए ये ट्रेड ऐसा मानते हैं कि हम हार गए ये ट्रेड, तो नेक्स्ट ट्रेड लेंगे हम $500 की, जिसमें $300 कवर डेफिनेटली होगा, प्लस हमारे पास जो है प्रॉफिट भी ज़रूर आएगा। लेकिन मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप इतनी बड़ी बड़ी ट्रेड्स लो, ठीक है। आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ, आपको जो ट्रेड लेनी है वो हमेशा कम अमाउंट की लेनी है। रीज़न उसका यही है कि आपका जो अमाउंट, आपका जो टोटल प्रॉफिट रहेगा वो चाहे कम मिले कोई बात नहीं, लेकिन लॉस ज़्यादा आपका नहीं होना चाहिए। अब पर्टिकुलर इस करेंसी में क्या हमें कोई कन्फर्मेशन मिल रही है, चेक करते हैं। कोई कन्फर्मेशन अगर है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो हम यहाँ पे ट्रेड नहीं लेंगे। कन्फर्मेशन या डाउनवर्ड डायरेक्शन की ज़रूर मुझे मिल रही है, फिलहाल कुछ खास कहा नहीं जा सकता इस पर्टिकुलर करेंसी पे।
विल वेट और विल सी व्हाट कैन वी डू, क्या कर सकते हैं देखेंगे. लेंगे डाउनवर्ड डायरेक्शन में ट्रेड, इतना तो डेफिनेटली फिक्स है, बट लेना कब है वो चीज़ डिसाइड करनी है. यानी अभी लेना सही रहेगा या फिर हमें वेट करना चाहिए. अकॉर्डिंग टू देखिए, पिछली ट्रेड हम हार गए हैं $300 की, नो वरीज. अब हम जाते हैं $500 पे, और अगर ये जीत जाते हैं तो काफ़ी कुछ हमारा कवर हो जाएगा. ठीक है, नो वरीज. प्रॉफिट परसेंटेज 87 है, तो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट परसेंटेज मिल रहा है यहाँ से. बट यार करेंसी मुझे लगता है चेंज कर लेनी चाहिए, ये करेंसी कुछ ठीक नहीं लग रही थी. CHF JPY को चेक करते हैं. अच्छा, फिलहाल ये वही थी जिस पे हमने अभी ट्रेड लिया और जो लॉस हुआ, नो प्रॉब्लम. हम जाते हैं यूरो NZD पे. ओके, यहाँ पे क्या होता है हमारे पास, यहाँ पे तो कोई कन्फर्मेशन नहीं है, सारा जो ग्राफ है उल्टा पुल्टा ही चल रहा है. तो यहाँ पे भी जाते हैं, अब जाते हैं USD CCF पे. उम्मीद करेंगे यहाँ से कोई कन्फर्मेशन मिले. मुझे जहाँ तक लग रहा है मार्केट जो है डाउन ट्रेंड पे रहने वाला है फिलहाल यहाँ से, बट फिर भी देखते हैं क्या होता है. यहाँ से डाउन ट्रेंड मेरे को मार्केट लग रहा है, चेक करते हैं. हमें जो है प्रॉफिट कवर करना है, $300 का पहले लॉस कवर करना है, देन हमें प्रॉफिट चाहिए $300 के ऊपर. हमारा जो टोटल अमाउंट लाइव अकाउंट का बैलेंस है उसे 6000 करना है. चलिए एक $500 की ट्रेड लेंगे, बट मेरे हिसाब से मैं इसको $1000 की कर दूंगा, ताकि ज़्यादा रिस्क ना हो. एक ट्रेड पे ही सारा अमाउंट ले लेंगे और थोड़ी सी ज़्यादा कन्फर्मेशन के साथ ये ट्रेड ले लेंगे तो प्रॉफिट अच्छा खासा बन जाएगा. 6000 हमारा टोटल टारगेट है. लेकिन यार मैं अभी भी कहूँगा, आपको रिकमेंड नहीं करूँगा इतनी बड़ी बड़ी ट्रेड लेने के लिए. ये मैं ट्रेड ले रहा हूँ सिर्फ इसका यही रीज़न है क्योंकि मुझे मनी मैनेजमेंट, मैं मनी मैनेजमेंट कर सकता हूँ अच्छे से. अगर मैं ये ट्रेड हार भी जाता हूँ तो भी कोई बात नहीं, मैं मनी मैनेजमेंट करके वापस इतना प्रॉफिट ले लूँगा. बट अकॉर्डिंग टू योर इन्वेस्टमेंट आपको ट्रेड लेनी है, अकॉर्डिंग टू योर मनी मैनेजमेंट प्लान आपको ट्रेड लेनी है. ठीक है, ये चीज़ें ध्यान रखना है आपको. इस मार्केट पे भी फिलहाल कोई खास कन्फर्मेशन नहीं. हाँ, मुझे जहाँ तक लग रहा है मार्केटिंग डाउन ट्रेंड जाने वाला है यहाँ से, बट ये भी कंफर्म कर रहा है. बट और कोई चेक कर लेते हैं, इसे बेटर सिचुएशन हमें किसी मार्केट की मिल जाती है तो दैट्स गुड. CCF की एक बार फिर से देख लेते हैं. देखिए फिर से डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया है, लेकिन सिर्फ जब हमने ट्रेड ली थी उसके अगले 5 मिनट तक मार्केट ऊपर रहा था, देन अगेन मार्केट स्टार्ट टू गोइंग इन डाउन डायरेक्शन, डाउनवर्ड डायरेक्शन. ये कभी कभी मार्केट हमारे साथ इस तरीके से खेल लेता है जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं, कोई इलाज नहीं, इसका कुछ कर भी नहीं सकते हम. सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में आपने सुना होगा, अब अच्छी स्ट्रेटजी है, यूज़ करनी चाहिए. जिसको पता है इस स्ट्रेटजी के बारे में तो उसे मैं रिकमेंड करूँगा, यूज़ करो यार, अच्छी स्ट्रेटजी है. नो कन्फर्मेशन फ्रॉम हियर ऑल्सो, कोई कन्फर्मेशन कुछ खास नहीं है. कोई यार इस टाइम पे टाइम ही दिन का ऐसा है कि कोई कुछ इतना पैसा इन्वेस्ट करने से पहले कुछ सोचना थोड़ा सा ज़रूरी है. इतना पैसा ऐसे ही इन्वेस्ट नहीं कर सकते विदाउट एनी कोई बिना कन्फर्मेशन के, इतना पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए मुझे लगता है. अच्छी सोच नहीं है, कोई बात नहीं. हम 27 सेकंड का वेट करते हैं, 23 सेकंड्स का वेट करते हैं. नेक्स्ट कैंडल किस डायरेक्शन में बनती है उस डायरेक्शन में ट्रेड लेंगे. हालांकि रिस्की है बट इतना भी रिस्की नहीं है. कन्फर्मेशन है हमारे पास, इस तरफ से कन्फर्मेशन है, यहाँ से कन्फर्मेशन है, तो लेंगे, ज़रूर लेंगे और उम्मीद करेंगे ये वाली ट्रेड हम जीतेंगे. अगर ग्रीन कैंडल बनती है तो हम अपवर्ड डायरेक्शन पे ट्रेड लेंगे, अगर रेड कैंडल बनती है तो हम डाउनवर्ड डायरेक्शन पे ट्रेड लेंगे. रेड कैंडल बनी है और अब मुझे लगता है यहाँ से डाउनवर्ड डायरेक्शन में हमें ट्रेड लेनी चाहिए. काश यार यहाँ पे कोई वोटिंग का सिस्टम होता ना तो मैं आप लोगों से वोट ले सकता लाइव. ताकि आप लोग भी सजेस्ट कर सकते कि इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट है तो आपको क्या करना चाहिए. बट फिर भी यहाँ पे मैंने ट्रेड ले ली है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, देखते हैं क्या होता है अब. अरे प्लेस क्यों नहीं हुई भाई, ये लीजिए डाउनवर्ड डायरेक्शन में ट्रेड ले लिया. अब देखते हैं क्या होता है यार. और गलती मैंने यही, मतलब पिछली बार जो ट्रेड ली थी उसी पर्टिकुलर करेंसी पे ट्रेड ली है. और वही हुआ है जो लास्ट टाइम हुआ था. कोई बात नहीं, देखते हैं क्या होता है. जिस पॉइंट से हमने ट्रेड ली थी उसी पॉइंट से मार्केट अब जाना स्टार्ट हुआ है. बट उम्मीद ये मेरी यही है और जो मेरे कन्फर्मेशन हैं वो यही कह रहे हैं कि ये मार्केट फिलहाल के लिए डाउन ट्रेंड पे रहने वाला है एटलीस्ट 5 मिनट्स के लिए. अब देखते हैं क्या होता है क्योंकि इतनी जो बड़ी इन्वेस्टमेंट है हम बिना किसी कन्फर्मेशन के तो यार डेफिनेटली नहीं कर सकते हैं. बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है, $1000. इंडियन करेंसी की बात करें तो ऑलमोस्ट 71,000 रुपीज़. तो यहाँ पे हम $300 के लॉस में भी थे. अगर यहाँ से अगर ये ट्रेड जीत जाते हैं तो हमारा टोटल प्रॉफिट हो जाएगा $600 का.
अगर वो $300 का लॉस निकाल दें तो हमारा प्रॉफिट $600 का हो जाएगा, तो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतने बड़े या इतना कोई इशू नहीं है। अब आपको मैं वही कहना चाहूँगा, फ़िलहाल भी अगर ये ट्रेड भी मैं हार जाता हूँ तो भी मेरे को कोई इशू नहीं होगा, क्यों? क्योंकि मैं अगला ट्रेड लेके उसे कवर कर लूँगा मोर कन्फर्मेशन के साथ। बट अकॉर्डिंग टू योर, अभी भी मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आपको मेरी ये वीडियो देख के बड़ी ट्रेड्स नहीं लेनी है। आपको ट्रेड जो लेनी है वो लेनी है अपने इन्वेस्टमेंट के ऊपर, अपना कैपिटल के ऊपर, अपना मनी मैनेजमेंट प्लान के ऊपर। हर एक कैपिटल का एक मनी मैनेजमेंट प्लान बनाओ, उसके ऊपर ट्रेड लो। हर एक पहले एक स्ट्रैटेजी बनाओ, उसके ऊपर ट्रेड लो। समझ रहे हो? मतलब आप खुद अपनी एक स्ट्रैटेजी बनाओ बढ़िया सी, और उसके बाद आपको पता है पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी पे आप विन कर रहे हो, आप अच्छा खासा विन कर चुके हो। आपका अगर एक ट्रेड हारते हो, नेक्स्ट ट्रेड में आप उसको कवर कर लोगे। बट ऐसा नहीं कि आप लगातार प्रॉफिट ले रहे हो, हर एक ट्रेड पे प्रॉफिट ले रहे हो, तो अगली ट्रेड आप बहुत बड़ी अमाउंट की कर लो, ये कभी भी नहीं करना है। याद रखना यार, पर्सनल एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूँ, मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूँ। जब मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट की थी ना, स्टार्टिंग में मैंने $1,000, माफ़ी चाहूँगा, $100 इन्वेस्ट किए थे। $100 जब मैंने इन्वेस्ट किए थे तो वहाँ पर मेरा काफ़ी लॉस हो गया था, चले गए थे। फिर अगली बार मैंने फिर से $100 इन्वेस्ट किए, वहाँ पे मैंने $100 से $500 बना लिए थे, जबकि विदाउट एनी स्ट्रेटजी, मेरे पास कोई स्ट्रेटजी नहीं थी, और एक ही ट्रेड पे मैं सारा पैसा हार गया। तब भाई उस दिन बात समझ में आई कि यहाँ पे विदाउट एनी स्ट्रेटजी और विदाउट एनी प्लान, रिस्क मैनेजमेंट प्लान के बिना आप कुछ नहीं कर सकते, आप कुछ नहीं कर सकते भाई। सच्ची में आपको यहाँ पे इस मार्केट में स्टैंड खड़े रहने के लिए ना, बने रहने के लिए एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी की ज़रूरत है, एक प्रॉपर मनी मैनेजमेंट प्लान की ज़रूरत है, एक प्रॉपर गाइडेंस की ज़रूरत है, एक प्रॉपर आपको माइंड को एक्टिव रखने की ज़रूरत है, अपने स्टेट को, जैसे माइंड का जो स्टेट होता है ना, उसको स्टेबल रखने की ज़रूरत है। आपको जो पैसा, आप जहाँ से भी पैसा लेके इस पर्टिकुलर मार्केट में इन्वेस्ट करोगे ना, उस पर्टिकुलर पैसे की एक वजह जो होगी ना, उसकी ज़रूरत है कि क्यों आपने वो पैसा लिया। और पहली बात तो आपको कहीं से भी पैसा लेना नहीं है, खुद की पॉकेट मनी बचाओ, इन्वेस्ट करो, सीखो, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन ये चीज़ नहीं करनी है आपको कि किसी से पैसा लेके मैं यहाँ पे इन्वेस्ट कर दूँ, उसको अर्न करके वापस दे दूंगा ना भाई। इस चीज़ को मैं कभी सपोर्ट नहीं करता हूँ और ना ही करूँगा लाइफ टाइम। तो आपको अपना पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट करना है, अपना पैसा इन्वेस्ट करो, और हमेशा आप जो है अच्छा खासा प्रॉफिट अगर आपको हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर प्रॉफिट नहीं होता, आपका वो पैसा चला जाता है, आप किसी बिना किसी स्ट्रेटजी के काम करोगे, या फिर आपका जो अगर पैसा चला जाता है, तो उस चीज़ का आपको दुख भी नहीं होना चाहिए भाई। तो ये चीज़ अब यहाँ से देखिए, मार्केट ट्रेंड चेंज कर दिया है मार्केट ने अपना, यानी अब अपवर्ड डायरेक्शन में मार्केट जाएगा। अब हम यही उम्मीद करेंगे कि 1 मिनट 21 सेकंड तक मार्केट नीचे रहे तो हमारा जो प्रॉफिट है ज़रूर आएगा। लेकिन अगर मुझे कंफर्मेशन की बात करें तो नीचे देखिए, यहाँ से कन्फर्मेशन मिल गई है, यहाँ से कन्फर्मेशन मिल गई है, यहाँ से कन्फर्मेशन मिल गई है, और यहाँ से कन्फर्मेशन मिल गई है। यानी अब जो है, अगर मैं और पैसा यहाँ पर लगाना चाहूँ इस पर्टिकुलर मार्केट पर, तो मैं अप डायरेक्शन में लगाऊंगा मार्केट के। ठीक है, यानी अब 1 मिनट बाद अगर 1 मिनट तक ये मार्केट होल्ड रह जाता है इस पर्टिकुलर लाइन के नीचे जो हमने एक प्लेस की है, तो अगले 1 मिनट बाद जो है मार्केट ऊपर ही जाने वाला है। अब मुझे जो फिलहाल जो टेंशन है वो किस चीज़ की है, यहाँ पे 19 सेकंड्स के बाद एक नई कैंडल बनेगी। तो 19 सेकंड के बाद जो नई कैंडल बनेगी, अगर वो ग्रीन कलर की कैंडल बनती है तो ये ट्रेड शायद हम हार सकते हैं। लेकिन फिलहाल इसके कोई आसार दिख नहीं रहे, बट देखते हैं क्या होता है। फिलहाल जो मार्केटिंग डाउन ट्रेंड पे, मैंने कहा था कि डाउन ट्रेंड पे ही रहने वाला है काफ़ी टाइम तक, और डाउन ट्रेंड पे ही है, और बहुत अच्छी बात है यार, जो रेड कलर की कैंडल बनी है तो बहुत अच्छी बात है। यानी फिर तो उम्मीद है कि ये ट्रेड जीत ही जाएंगे। आपको कहा था कि जब स्टार्ट किया था ये वीडियो, हमारा जो बैलेंस था लाइव अकाउंट का वो था $5,500। हम एक ट्रेड ज़रूर हारे, $300 की ज़रूर हारे हम, बट उससे हमारा क्या लॉस हुआ, हम अगली ट्रेड जीत गए $1,900 का प्रॉफिट। हाँ, आप कहोगे, ज़रूर आपके दिल में एक क्वेश्चन ज़रूर आया होगा, भाई ये ट्रेड भी अगर आप हार जाते तो क्या होता, आप तो बहुत बड़े लॉस में चले जाते। डेफिनेटली चला जाता, बट उससे मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता दोस्तों। मेरा मनी मैनेजमेंट प्लान इस तरीके से है, $5,000 है मेरे पास, अगर मैं तीसरी ट्रेड अच्छे से ले लेता $1,500 की तो कवर कर लेता, चौथी ट्रेड $2,000 की ले लेता तो कवर कर लेता। चीज़ें समझ रहे हो आप मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? मनी मैनेजमेंट प्लान तब वर्क करता है जब आपके पास एक अच्छा कैपिटल होता है। अगर आपके पास कैपिटल छोटा भी है तो उसके हिसाब से आप मनी मैनेजमेंट प्लान बनाओ। ठीक है, आप एक ट्रेड हारोगे, दूसरा डेफिनेटली जीत जाओगे, तीसरा जीतोगे, यार कब तक हारोगे? एक ही दिन तो आपका खराब जाएगा, रोज़ रोज़ तो आपका खराब जाएगा नहीं है, हर एक दिन तो आपका खराब होगा नहीं। जो दिन आपका खराब जाए, अगले दिन उससे भी बेटर करो।
चीज़ें सीखो। हाँ अब यार आपको पता है आप टेक्निकल अभी यूट्यूब फैमिली के साथ जुड़े हुए हो, आपने एक चीज़ ज़रूर बताना चाहूँगा यार इस वीडियो के, यहाँ तक अगर आपने वीडियो देखी है ना तो आप हमारी फैमिली का हिस्सा हो। नहीं बने हो ना यार अभी तक, जाना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा टेलीग्राम का, अभी ज्वाइन हो जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें चल रही है। अगर हमारी वीडियो अभी अभी तक यहाँ तक आपने देखी ना तो सल्यूट है ब्रदर आपको, आप इस कम्युनिटी में आप इस फिट बैठते हो इस पर्टिकुलर ट्रेडर्स की कम्युनिटी में, और आपको इनविटेशन है मेरी तरफ से, ज्वाइन हो जाओ हमारी फैमिली में यार। और एक और चीज़, बिल्कुल नए हो ना अगर इस फैमिली में, बिल्कुल नए हो अगर यहाँ पे पहली बार ये वीडियो देख रहे हो ना, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, क्योंकि यार आपको आने वाले टाइम में ना कुछ ऐसे मोटिवेशन तो साथ में मिलता ही रहेगा, प्लस दूसरी चीज़ आपको ऐसी ऐसी स्ट्रैटेजीज़ मिलती रहेंगी ना जिसका यार मतलब एक नए नेक्स्ट लेवल पर लेके जाऊँगा, और बाकी सारे यूट्यूबर्स की तरह नहीं भाई, कुछ नया मिलेगा, कुछ अलग देखने को मिलेगा, और मतलब फाड़ चीज़ देखने को मिलेगी भाई, क्या बताऊँ। तो भाई आज का ये जो सेशन है यार ये भी ख़त्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ यार ये जो इचिनोमो क्लाउड है यहाँ पे समझ गए होंगे आप किस तरीके से स्ट्रेटजी वर्क करती है, कन्फर्मेशन काफ़ी सारी है, मार्केटिंग ट्रेंड्स को फॉलो करना है, दैट्स इट, और कुछ भी खास इसमें नहीं है, बहुत सिंपल स्ट्रेटजी है। और यार उम्मीद करूंगा वीडियो पसंद ज़रूर आई होगी आप लोगों को। हमारा लाइव अकाउंट का बैलेंस जैसा कि मैंने वादा किया था $6,000 करने का, तो यार ये हो गया है $6,108, यानी लगभग क्या बोलते हैं हमारा जो प्रॉफिट आया है $900 का है, तो हमारा टोटल प्रॉफिट $600 का हुआ है इस पर्टिकुलर सेशन के बाद, यानी लगभग 5 मिनट की ये ट्रेड ली थी हमने, 5 मिनट की ट्रेड में हमारा जो प्रॉफिट रहा वो रहा $600 का। तो टाइटल जो है, थंबनेल जो है वो भी जस्टिफाई कर दिया है यहाँ पे हमने। उम्मीद करूँगा यार मज़ा ज़रूर आएगा वीडियो देखने में, और पसंद आई ना यार तो लाइक बटन पे ज़रूर हिट कर देना, ये मोटिवेशन बहुत बढ़ेगा, और इस मोटिवेशन के चलते आप लोगों के लिए बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आ सकता हूँ। चलिए गाइस मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।